हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी आज ब्लॉग की तलाश में और अच्छे मौसम की तलाश में आ चुका हूँ ऋषिकेश में। तो आज जब मैं घर पर था तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और रात में भी बारिश हुई और अभी भी जो लगातार बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा हर की पेड़ के ब्लॉग तो बनते ही रहेंगे, आज चलते हैं सीधा पहले ऋषिकेश। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जानकी सेतु के पास और आप देख ही सकते हो किस तरीके का मौसम हो रखा है सामने, और पहाड़ों में जो है बारिश के साथ साथ जो है फोग बना हुआ है, तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग दे रहा है। और कुछ पर्यटक जो है यहाँ पर अभी नहा रहे हैं और इनको अभी अंदाज़ा नहीं है गंगा कितनी उफान पर है। तो ऐसा ही होता है जब कोई बाहर से ही आते हैं युवा यहाँ पर नहाने के लिए, तो ज़रा सी लापरवाही जो है उनको भारी पड़ जाती है। तो कुछ समय पहले जो है ये जगह थोड़ी सूखी हुई रहती थी, पर मानसून के समय पर जो है पूरी भरकर चलती है। तो अभी जो है कुछ समय बाद जो नीचे घाट देख ही रहे हो आप, तो ऊपर तक पानी आ जाएगा जहाँ पर ये मार्क लगे हुए हैं। अभी गंगा जो है अभी वहीं पर ही चल रही है और कुछ टाइम बाद जो है पूरी ऊपर भरकर चलेगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी इस मानसून की फ़र्स्ट वीडियो है ऋषिकेश की, तो कुछ टाइम बाद जो है फिर से आएंगे जब मानसून के बीच में और आपको पूरा अपडेट देंगे ऋषिकेश का। तब तक आप आनंद लीजिए इस मनोरम दृश्य का। और हरिद्वार में तो जो है नहाने के लिए घाट बने हुए हैं पूरे सेफ्टी को देखते हुए, पर इस जगह पर जो है कुछ भी ऐसा नहीं है। हालाँकि यहाँ पर चैन लगाई हुई है पर वो गंगा के जलस्तर को देखते हुए लगाई हैं, पर मानसून के टाइम पर उन चैनों का भी इतना भरोसा नहीं किया जा सकता जिस तरीके से पर्यटक यहाँ पर आकर के लापरवाही करते हैं। और अगर बात की जाए इस वेदर की तो कितना सुंदर मौसम हो रखा है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा फील दे रहा है यहाँ पर आकर। और अभी चलते हैं गंगा के तट की ओर, दिखाते हैं आपको पास से गंगा की जो लहरें हैं कितनी ऊँचाई पर उठ रही है। काफ़ी दिन से जो है हमारा प्लान ऋषिकेश आने का बन रहा था पर हम आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम जिस मानसून का इंतजार कर रहे थे वैसा वेदर हो नहीं पा रहा था। और हम सोच रहे थे कि जैसे ही ऋषिकेश में हरिद्वार में बारिश होती है तो वैसे ही हम अपनी गाड़ी उठाकर ऋषिकेश पहुंचेंगे और आपको इस वेदर का अनुभव कराएंगे। तो जैसे ही आज बारिश हुई, रात में ही बारिश हुई, तो हमने सीधे ऋषिकेश आए। और हरिद्वार की वीडियो तो हम कभी भी शूट कर सकते हैं पर ये जो नज़ारे हैं, ये जो दृश्य है, ये बार बार देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसका जो आनंद है वो सिर्फ मानसून के समय पर ही अनुभव किया जा सकता है। और सामने जो आप देख ही रहे हो तो वो है भूतनाथ टेम्पल जो महादेव को समर्पित है। और देख ही सकते हो आप, इस अनुभव कीजिए इस गंगा की लहरों का और इस कलकल करती हुई गंगा धारा का, तो किस प्रकार से जो है रौद्र रूप आ रखा है। आज पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है तो हम काफ़ी टाइम से जो है इंतज़ार कर रहे थे इस बारिश का। और आज हम रेनकोट के साथ छतरी लेकर के निकल रखे हैं आपके लिए ब्लॉग शूट करने के लिए और आपको ऋषिकेश का मनोरम दृश्य दिखाने के लिए। और आज हमारा जो प्लान है अभी थोड़ा ऊपर भी जाएंगे और ऋषिकेश के हर एक घाट को कवर करेंगे। तो फिलहाल आप आनंद लीजिए इस जानकी सेतु का। और उस साइड हमारे सामने है परमार निकेतन, तो पिछले व्लॉग में मैंने वो भी कम शूट किया हुआ है। और अभी राफ्टिंग जो है पूरे 2 महीने के लिए बंद की गई है, तो बरसात के मौसम में जो है राफ्टिंग बंद की जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, फटाफट से आपको इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए मिलेगी मेरे इस चैनल पर। और इस जगह पर देखिए आप इस तरीके से जो है लहरें टकरा रही हैं। तो अब इसी के साथ चलते हैं जानकी सेतु के ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं आपको जानकी सेतु कैसा दिखाई देता है। आप जो है जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं तो राफ्टिंग जो है अब बंद हो गई है पूरे 2 महीनों के लिए, तो सभी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर अब खड़ी हो गई है। तो अभी चल रहे हैं हम जानकी सेतु में और सेंटर से दिखाएंगे आपको पुल से कैसा व्यू रहता है ऋषिकेश का। और अभी और जगह भी जाना है हमें, काफ़ी जगह कवर करेंगे अभी। और अब चलते हैं राम झूला। तो अभी पहुंच चुके हैं हम, मतलब
और अभी चलते हैं यहाँ पर अंदर। और बात की जाए अगर आज की बारिश की, तो आज की बारिश वाकई में दिल खुश कर देने वाली है। तो जैसी बारिश अभी हमें चाहिए थी, तो बिल्कुल वैसी बारिश हो रही है, ना ज़्यादा तेज़ हो रही है ना ज़्यादा कम, बस मौसम को जो है बस बना के रखा हुआ है आज। और अभी हमारे सामने देख सकते हैं आप, तो वो है जानकी सेतु जहाँ पर अभी हम थे। जो है हमने कवर कर लिया है और अभी चलते हैं जल्दी से एक प्यारी सी लोकेशन पर और देखते हैं आज हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। और बारिश जो है अभी हल्की फुल्की लगातार हो ही रही है। सो गाइस, तो अभी पहुंच चुके हैं हम घाट पर और यहां पर से भी ऋषिकेश का जो व्यू है बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। तो अभी जिस घाट पर हम खड़े हैं और इस साइड है हमारे रामझूला, तो ये जो घाट है ये रामझूला के पास पड़ता है। और आपने जब लास्ट टाइम जो है आपदा आई थी और टेरी से जो है जल ज़्यादा होने के कारण छोड़ा गया था, तो आपने देखा होगा, तो ये जो माता की फ़ोटो है तो इनके घुटने तक जो है पानी आ गया था। और ये है शाम का सुंदर नज़ारा घाट से। तो ये तो मानसून की दूसरी बारिश है और जो पहली बारिश हुई थी उसमें मेरा आना हो नहीं पाया था। और गंगा का जो जल है वो वाटर लेवल इस यहाँ तक आ जाता है। कुछ टाइम बाद जो है आप जो है रामझूला पुल देख रहे हो, तो वो अभी अस्थायी रूप से बंद है और वहाँ पर जो है काम चल रहा है। तो कुछ समय बाद वहाँ पर एक कांच का पुल देखने के लिए मिलेगा, तो अभी वहाँ पर जो है कांच का पुल बन रहा है। तो अभी पता नहीं कितना समय लगता है उसमें, पर बहुत जल्दी जब वो पुल बन जाएगा तो वहाँ से ऋषिकेश से गंगा व्यू का नज़ारा ही कुछ अलग होगा। तो अभी अपनी मैगी हो गई है फिनिश और यहाँ पर अभी लक्ष्मण झूला और सामने 13 मंजिल भवन। सो गाइस, तो आज ऋषिकेश में लगा है तगड़ा जाम, तो जिसकी वजह से अब हम और आगे जा नहीं पाएंगे। तो अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ और इस व्लॉग को रखते हैं इतना। तो मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसी तरह मानसून के और व्लॉग आते रहेंगे। बाय।